करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन, क्या बोल रहा है ये हमसे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो हमारी हेलोजन्स है, जो हमारी हेलोजन्स है वो क्या है एजुकेटर्स, वो है हमारी डाई एटोमिक स्पीशीज है। क्या है वो? हमारी डाई एटोमिक स्पीशीज है। अगर वो डाई एटोमिक स्पीशीज है इसका मतलब वो हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या हो जाएंगे एजुकेटर्स? वो हमारी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो वो कौन से सॉलिड होंगी, वो हो जाएंगी हमारी कौन से सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगी। कौन सी सॉलिड हो जाएगी एजुकेटर्स? मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगी। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? इसमें वर्क करता है क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मॉलिक्यूलर वेट की, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की या फिर किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेल्टिंग पॉइंट की या फिर बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका है, सबसे ज्यादा साइज किसका है? तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से किसका साइज के ऑर्डर की, तो साइज किसका सबसे बड़ा होगा, F2Cl2, देन कौन हो जाएगा, Br2, देन कौन हो जाएगा, हमारा I2 हो जाएगा। तो वहीं पर जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर होगा वो भी वही हो जाएगा। इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका ऑर्डर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F2Cl2 देन Br2 हो जाएगा, देन कौन हो जाएगा, हमारा I2 हो जाएगा। तो जो साइज का ऑर्डर होगा वही किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा एजुकेटर्स, I2 देन Br2 देन Cl2 देन कौन हो जाएगा, F2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो इजी सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ आया होगा।